दुनिया तबाह हो जाएगी। तो गाइस यार, आज के टाइम पे हॉलीवुड की साईफाई मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, तो इसीलिए आज मैं आपको 2024 में रिलीज हुई हॉलीवुड की टॉप 8 बेस्ट साईफाई मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आपको कमाल का साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इसी तरह की हॉलीवुड मूवी रिकमेंडेशन चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। धमाके के लिए तैयार। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की लिस्ट के नंबर 8 की मूवी से, जिसका नाम है सिम्युलेंट। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे इंसानों ने सिम्युलेंट नाम के कुछ रोबोट्स बनाए ताकि वो इंसानों की डेली लाइफ में उनकी मदद कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब अचानक से इन रोबोट्स के प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से ये रोबोट खुद ही से अपना डिसीजन लेने लग जाते हैं। और एक टाइम के बाद इन रोबोट्स को लगने लगता है कि इंसान इन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी वजह से ये रोबोट्स इंसानों के ही खिलाफ हो जाते हैं। अब इसके बाद आगे मूवी में इंसान इन रोबोट्स को रोकने के लिए क्या कुछ करते हैं, और इसके आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, अगर आप पूरी मूवी की स्टोरी जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अ क्वाइट प्लेस डे 1। ये 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर साईफाई मूवी है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब ये मूवी अ क्वाइट प्लेस मूवी का थर्ड पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसके पहले दोनों पार्ट्स को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों पार्ट्स को एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आप इन दोनों पार्ट्स को देखे बिना इसके थर्ड पार्ट को देखना चाहते हो तो भी आप बिना किसी दिक्कत के सीधा इसके थर्ड पार्ट को देख सकते हो। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पे एक दिन अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक एलियन क्रिएचर आ जाते हैं। अब असल में ये एलियन क्रिएचर जो कि देख तो नहीं सकते, लेकिन ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा ऊंचा सुन सकते हैं। अगर आपने लिटरली थोड़ी सी भी आवाज करी तो ये क्रिएचर आपके पास कुछ ही सेकंड के अंदर आके आपको जान से मार देंगे। तो इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे मूवी के लीड एक्टर्स की, जो कि किसी तरह अपने आप को इन क्रिएचर से बचाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर क्या वो अपने आप को इन क्रिएचर से बचा पाएंगे, और आखिर ये एलियन क्रिएचर कौन है, कहां से आए, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी काफी कमाल की है, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है एटलस। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एटलस नाम की एक लड़की की, जिसकी मदर ने पास्ट में कुछ बहुत ही एडवांस रोबोट बनाए थे, लेकिन उन रोबोट्स के प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो रोबोट इंसानों के ही खिलाफ हो जाते हैं। अब ऐसे में ये रोबोट बहुत टाइम से किसी अनजान प्लेनेट के ऊपर छुपे हुए, ताकि ये लोग फ्यूचर में अर्थ के ऊपर अटैक करके अर्थ से पूरी इंसानियत को खत्म कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब एक दिन एटलस को इन रोबोट्स के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। अब इसके बाद एटलस अपनी एक टीम लेकर निकल जाती है उस प्लेनेट के ऊपर, ताकि वहां पे जाके वो इन रोबोट्स को खत्म कर सके, जिससे कि वो हमारे अर्थ को बचा सके। अब अगर इससे आगे मैंने आपको मूवी की कहानी के बारे में बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे मूवी में क्या कुछ होता है तो उसके लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी काफी कमाल की है। अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी साईफाई मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी, और आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो। तो नंबर 5 पे आपको एक नहीं बल्कि टोटल 2 मूवी देखने को मिलने वाली है, रेबल मून पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मदर वर्ल्ड के कुछ लोगों की, जो कि एक बंजर गांव के अंदर जाते हैं, ताकि वहां पे जाके वो यहाँ पे राशन वगैरह कलेक्ट कर सके। लेकिन इन गांव वालों के पास इतना सारा राशन नहीं है कि वो इन लोगों को दे सके, इसीलिए वो राशन देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन मदर वर्ल्ड के लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से वो लोग इस गाँव के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब ऐसे में इस गाँव के लोग, जिन्हें लड़ना भी नहीं आता, वो इतने खतरनाक इतने एडवांस सोल्जर्स का सामना कैसे करेंगे? और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, और मूवी के दोनों ही पार्ट्स बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों ही पार्ट्स को एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है गोस्ट बस्टर फ्रोजन एम्पायर। ये 2024 में रिलीज हुई एक कॉमेडी फैंटेसी साईफाई मूवी है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब ये मूवी 2021 में रिलीज हुई गोस्ट बस्टर आफ्टर लाइफ मूवी का
सेकेंड पार्ट है। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो आप इसके पहले पार्ट को जरूर देखना ताकि आप इसके सेकेंड पार्ट की स्टोरी को और भी ज्यादा डिटेल में समझ सको। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इसके अंदर में कहानी दिखाई जाती है गोस्ट बस्टर्स की, जो कि बेसिकली भूतों को पकड़ने का काम करते हैं। अब ऐसे में एक दिन इन लोगों की एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत ही खतरनाक शैतान आजाद हो जाता है। अब ऐसे में ये शैतान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि सालों से किसी कैद के अंदर कैद था, लेकिन इन लोगों की एक गलती की वजह से वो अब आजाद हो चुका है और अब वो निकल जाता है हमारी पूरी की पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो वैसे में इन गोस्ट बस्टर्स को कैसे भी करके उस शैतान को वापस से कैद करना होगा ताकि वो अपने आप को और हमारी पूरी दुनिया को बचा सके। अब इसके बाद ये गोस्ट बस्टर निकल जाते हैं उस शैतान को पकड़ने के लिए। तो आखिर क्या वो उसे कैद कर पाएंगे या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब ये भी एक काफी कमाल की मूवी है जिसे आप वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर थर्ड पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब ये मूवी प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी का फोर्थ पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसके पहले तीन पार्ट्स को नहीं देखा तो भाई मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उन तीनों ही पार्ट्स को एक बार जाके जरूर चेकआउट करें। अब अगर बात करें इस मूवी सीरीज की कहानी के बारे में तो इसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है इंसानों की, जो कि एक ऐसा वायरस बनाते हैं जिसकी वजह से चिंपांजीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा माइंडफुल हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो इंसानों की तरह बातचीत भी करने लग जाते हैं और इंसानों की एक इसी गलती की वजह से इंसानों की आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। अब अगर इससे आगे मैंने आपको मूवी की कहानी के बारे में बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे मूवी में क्या कुछ होता है तो उसके लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर सेकंड पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक ऐसी दुनिया की जहां पे पानी लगभग अब खत्म हो चुका है, इसी वजह से इंसान पानी के लिए कुछ भी कर सकता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है फ्यूरियोसा नाम की एक लड़की की, जिसे बचपन में कुछ बहुत ही खतरनाक लोग किडनैप कर देते हैं और उसे बचाने के चक्कर में उसकी मदर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद फ्यूरियोसा डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके बड़ी होकर उन सभी लोगों से बदला लेगी जिसकी वजह से उसकी मदर की डेथ हुई थी। अब ऐसे में बड़ी होने के बाद फ्यूरियोसा निकल जाती है अपनी मदर की मौत का बदला लेने के लिए। तो आखिर क्या वो अपना बदला पूरा कर पाएगी, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आप कोई ऐसी साइफाई मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको नॉन स्टॉप एक्शन सीन देखने को मिले तो ये मूवी डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली नंबर वन पे आपको 2024 की अब तक की वन ऑफ द बेस्ट मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है ड्यून पार्ट 2। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.5 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अब ये मूवी 2021 में रिलीज हुई ड्यून पार्ट 1 मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले आप इसके पार्ट 1 को देखना, देन आप इसके पार्ट 2 को देख सकते हो। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पे मैं आपको मूवी की कहानी के बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि ये दोनों ही मूवी मास्टरपीस मूवी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही इन मूवीज को देख के पता करो कि आखिर ये मूवी कितनी ज्यादा कमाल की होने वाली है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों ही मूवीज को एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आपको Amazon प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो बस यही थी हमारी आज की 2024 की अब तक की बेस्ट हॉलीवुड साइफाई मूवीज। वैसे आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देख रखी या फिर कौन सी देखने वाले हो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता देना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।